Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So, in this lecture, I am going to discuss about oogenesis process, which is one of the very important process for any female human body. So, it is the development of ova, which occurs in the ovary. Here you can see the picture of ovary, which is the transverse section, or you can say TS. So, this is the transverse section, students. And this structure tells you about the structure of ovary. And I'm going to explain you about oogenesis. And genesis means to form or formation, and oo means ova. So students, start करते हैं हम लोग कि oogenesis में ova का development होगा, और ये ova का जो development होगा उसकी जो location होगी वो ovary होगी. इसके लिए मैंने ये पिक्चर आपके सामने बनाया हुआ है. और इस ओवरी में क्या होगा, प्राइमरी जर्म सेल्स होंगे जो कि जर्मिनल एपिथीलियम को डिवाइड करेंगे माइटोसिस से, और वो बनाएंगे ऊगोनिया. ऊगोनिया जो प्राइमरी जर्म सेल्स होंगे, या हम लोग प्राइमरी ऊसाइड भी बोल सकते हैं. एंड ये जो सेल्स माइग्रेट करके सेंटर ऑफ ओवरी की ओर आएंगे, ये जो ओवरी है इसका ये सेंटर पॉइंट है. आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट्स हैं. एंड सम ऑफ द सेल्स ग्रो लार्जर, और कुछ सेल्स जो है वो लार्ज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म प्राइमरी ऊसाइट, व्हाइल द रेस्ट इन सर्किल द ग्रोइंग प्राइमरी ऊसाइट, और उनको हम लोग फॉलिकल सेल्स बोल देते हैं. कुछ हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, कुछ मैच्योर फॉलिकल्स होंगे, और कुछ रप्चर्ड फॉलिकल्स होंगे. तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं. जो प्राइमरी ऊसाइट है उसको हम लोगों ने एक लेयर ऑफ फॉलिकल सेल से सराउंड किया हुआ है प्राइमरी ऊसाइट को, और उसको हम लोगों ने प्राइमरी फॉलिकल बोला हुआ है. ये आप देख रहे हैं ना प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी ऊसाइट को इस तरीके से सराउंड किया जाएगा. और ये जो फॉलिकल सेल्स होंगे ये प्रोटेक्टिव होंगे और न्यूट्रिटिव होंगे. कभी कभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी फॉलिकल का क्या रोल है, तो ये प्राइमरी ऊसाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. दिस इज अबाउट द प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ऊसाइट. और नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें थोड़े से इसके आगे की कहानी को जानते हैं स्टूडेंट्स, तो जो प्राइमरी ऊसाइट है वो ग्रो फर्दर करेगा. ये जो प्राइमरी ऊसाइट आपके सामने है, और ये फॉलिकल सेल इंक्रीज होंगे नंबर में, फॉलिकुलर फ्लूड्स एक्यूमुलेट होने लगेगा, और छोटे छोटे कैविटीज में इन बिटवीन द सेल्स, और इसी को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं. उसके बाद के स्टूडेंट्स कुछ कहानी हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो सेकेंडरी ऊसाइट होगा, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे स्मॉल कैविटीज मर्ज हो जाएंगी, और जो प्राइमरी ऊसाइट्स हैं, जो प्राइमरी ऊसाइट्स हैं अंडरगोज होंगे, ये मियोसिस में जाएंगे, मियोटिक डिविजन्स होंगे इनमें, और ये सेकेंडरी ऊसाइट का फॉर्मेशन करेंगे मियोसिस के बाद. यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट आप लिख सकते हैं, ऐसो मैंने लिख दिया. और पोलर बॉडीज बनाएंगे, और सेकेंडरी जो ऊसाइट है वो स्लेंडर स्टॉक ऑफ सेल्स होंगे जो कि कैविटी में होंगे. और इस पूरे के पूरे होल स्ट्रक्चर को हम लोग एक टर्म देते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. और ये जो ग्राफियन फॉलिकल होगा स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट होगा सरफेस ऑफ ओवरी से बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. ये जो सरफेस है ओवरी का, ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, यही अल्टीमेटली आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है. और ओव्यूलेशन के समय पे जो सेकेंडरी ऊसाइट होंगे वो फॉलिकुलर फ्लूड से सिक्रीट होंगे, रिलीज होंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ओव्यूलेशन होगा, तो जो सेकेंडरी ऊसाइट्स बनेंगे यहाँ पर, और वो जो है फॉलिकुलर फ्लूड में फाइनली ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा, और फाइनली वो ओवा को रिलीज कर देगा. तो अब थोड़ी सी कहानी मैं यहाँ पे और एडिशनल आपको बता दूँ कि यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम लेयर होगी. इस तरीके से ये जर्मिनल एपिथीलियम लेयर है. प्राइमरी ऊसाइट आपने अच्छे से समझ ही लिया है स्टूडेंट से, और ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है, ये फॉलिकल सेल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉलिकल सेल्स. और यहाँ पे कुछ कॉर्पस लूटियम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ डीजेनरेट हो जा रहा है कॉर्पस लूटियम. ये रप्चर जो फॉलिकल आप देख रहे हैं,
और रप्चर्ड फॉलिकल से ही जो सेकेंडरी ऊसाइट निकल रहा है विद कोरोना रेडिएटा, और ग्राफियन फॉलिकल्स आप देख रहे हैं ये कुछ लार्ज साइज है विद सेकेंडरी ऊसाइट। आपको याद रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ऊसाइट होगा और सेकेंडरी फॉलिकल जो होंगे उसमें प्राइमरी ऊसाइट होगा। तो ये कुछ बेसिक्स की कहानी है, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है क्लास टेंथ लेवल के लिए। हाँ, अगर हम लोग ट्वेल्थ लेवल की बात करें तो यहाँ पे टीएस ऑफ ओवरी या ओजेनेसिस का पूरा प्रोसेस पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबुलर चार्ट भी दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का एक टेबुलेशन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स एंड आई होप वी विल मीट सीन सून स्टूडेंट्स एंड थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।